Hi, what's Welcome back to CUD Bihadar 247. सी 2024 के आखिरी फेज में एंटर करने जा रहे हैं आखिरी महीना है आई होप पढ़ाई करनी सभी ने शुरू कर दी है लेकिन पढ़ाई करते हुए भी तो प्रॉब्लम्स आती है ना मैम इतना सारा सिलेबस इतने सारे सब्जेक्ट 24 घंटे का दिन है मैम थोड़े से घंटे और बढ़ा दीजिए सब नहीं पढ़ पाते या फिर पढ़ते पढ़ते ही थक जाते हैं तो आई थिंक आपका प्रॉब्लम जो अभी करंट है कि मैम पढ़ना तो चाह रहे हैं और पढ़ना शुरू भी कर दिया है लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है राइट और सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं मतलब जो भी अगर आप प्रतिज्ञा बैच में हैं तो भी आई थिंक कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे इस चीज़ को लेकर कि मैम बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ रही है और अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैम सब मैनेज नहीं हो पा रहा है तो वीडियो आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए और मैं भी आ चुकी हूँ तो सभी लोगों का वेलकम करते हैं वीडियो में सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और यहाँ पर हम शुरू करेंगे एक ऐसी वीडियो जो नीड ऑफ द आर है क्योंकि टाइम टेबल सब बनाते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं और टॉपर टाइम टेबल तो एक मिथ है राइट सो so, टॉपर टाइम टेबल सच में कुछ होता है या नहीं होता है मुझे तो नहीं लगता मुझे लगता है टॉपर छोड़ो हमें तो यार पूरा दिन का यूटिलाइजेशन करना है तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ यहाँ पे वो प्लान जो आप लोग फॉलो अगर करते हैं तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट आपका हो रहा होगा सब्जेक्ट मैनेजमेंट हो रहा होगा और जो प्रॉब्लम आप आज के टाइम में फेस कर रहे हो उसको आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो और दो सरप्राइजेस है जो सेशन के एंड में आप लोग को मिल रहे होंगे तो दो के लिए वेट करेंगे और पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर जा रहे होंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए राइट right? तो प्रतिज्ञा के साथ साथ प्रवेश भी लॉन्च हो चुका है आई होप उसके लिए भी एक्साइटेड है कल पांच बजे केमिस्ट्री की क्लास है तो भाई हजार चौबीस का आखिरी महीना चल रहा है मतलब अब शुरू होने वाला है एक ही दिन बाकी है तो भाई अपना बेस्ट अब तो करना ही पड़ेगा राइट सो आई थिंक ये बात तो सभी लोगों को क्लियर है तो लेकिन एक चीज जो परेशान दे रही है परेशानी आपको दे रही होगी वो है मिसमैनेजमेंट कि मैम सब करना चाहते तो हैं बट सब कर नहीं पा रहे हैं तो एक ये प्रॉब्लम है ये मैनेजमेंट कैसे करें उसके बाद हो सकता है कि आप सोचो कि चलो पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ाई तो हो जाती है बट रिवीजन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिना रिवीजन के तो मैम सिलेक्शन होगा नहीं तो पढ़ाई भी कैसे करें और रिवीजन भी कैसे करें वही 24 घंटे का टाइम है किस तरीके से मैम दोनों चीजों को मैनेज करें कि यह प्रॉब्लम है उसके बाद महीना पूरा है अब सभी लोगों को पता है एक एक सब्जेक्ट के बारह पंद्रह चैप्टर भी अगर आप जोड़ते हो तो तीन तो आपके पास सब्जेक्ट ही है तीन तो बेर महीने में फोर्टी फाइव तो यही चैप्टर हो गए फिर इंग्लिश डी टी आप लोग के पास तो सब कुछ कैसे प्लान करें पूरे महीने का प्लान कैसे करें महीने का प्लान शुरू होता है दिन का प्लान करने से तो दिन प्लान करेंगे तो महीना भी प्लान हो पा रहा होगा ठीक है और वही बात है कि भाई पूरे दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है कि हम चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सलूशन दे दीजिए तो आपने बुलाया और हम यहां पे डेफिनेटली आते हैं जैसा कि जो आप लोगों को चाहिए होता है वो आपको मिल रहा होता है तो शुरू करते हैं वीडियो को और लास्ट की दो अनाउंसमेंट्स आप लोगों के सामने रख रही होंगी तो अगर मैं बच्चों बात करूं, तो सी यू डी तो हजार 2024 में जो टॉपर टाइम टेबल है क्या मैं उसके बारे में आप लोगों को डिस्क्लोज कर दूं तैयार है तो एक बार चार्ट सेक्शन में मुझे कंफर्म करेंगे कि मैम हम तैयार हैं आप बस बता दीजिए तो अगर बच्चों में बात करूं CUET 2024 में टॉपर तो टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता है लेकिन हाँ टाइम टेबल होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली टाइम टेबल की बात करूंगी और टाइम टेबल इज समथिंग लाइक 24 घंटे में आपको अब तो देखो ये नहीं सोचना कि भाई मैं चार घंटे ही पढ़ूंगा मैं पाँच घंटे ही पढ़ूंगा नहीं अब आपको सब कुछ सेकेंडरी रखना है प्रायोरिटी पे रखना है केवल पढ़ाई करना है पूरी ट्वेल्थ निकाल दी है है ना तो अब यह आखिरी का महीना है जो डिसाइड कर रहा होगा कि भाई हमारा पूरा साल क्या वर्थिट होने वाला है या नहीं होने वाला है सो यू नीड टू मेक श्योर कि ये 24 घंटे हर एक दिन आप 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 अपना 100 दे रहे रहे हो हो और हर 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 दिन 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 जीत क्योंकि जब एक एक जीतोगे का टारगेट मीट करोगे तो आप पूरे महीने के एंड में जीतोगे और महीने के एंड में जीतोगे तो यार सीयूटी के पेपर वाले दिन आप जीत रहोगे सो एवरी डे शुड बी अन लेट्स गो फॉर द टाइम टेबल मैं आप लोगों को यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि हर एक बच्चे के पास तीन डोमेन्स है साइंस वाले के पास एम पीसी भी होगा कॉमर्स के पास भी ऐसी तीन डोमेन्स बेर मिनिमम होंगे ऐसी ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के पास भी होंगे साथ में एक लैंग्वेज होगा ठीक है अब जेनरल टेस्ट भी एक सभी बच्चों के पास होगा मैक्सिमम बच्चों के पास हाँ लेकिन अगर आपका कोर्स क्या है जिसको आप टारगेट करो जैसे अगर आप बी टारगेट करो तो आपके लिए जनरल टेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर आप बी टारगेट कर रहे हो तो अगेन आपको बी के लिए जी पढ़ना पड़ेगा बी टेक टारगेट करो जी टी पढ़ना पड़ेगा बी बी कर रहे हो जी टारगेट करना पड़ेगा तो आपका क्या कोर्स है उसके हिसाब से आप अपने लिए डिसाइड कर लो कि जनरल टेस्ट आपके लिए फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर ठीक है कि मैम साथ में प्रिपेयर कर सकता हूँ काम चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो टाइम मैं यहाँ पे देने वाली हूँ उसको अलॉट करना पड़ेगा ठीक है लेट्स गो फॉर इट तो अगर मैं बच्चों बात करूं तो एक प्रॉब्लम मल्टीपल सब्जेक्ट्स है जो आपको परेशान कर रही है हमें दिन में दस घंटे से ज्यादा दस घंटे के आसपास या ज्यादा देखो अब आखिरी टाइम में ये मत सोचो कि मैम मैं नहीं पढ़ पाऊंगा पढ़ना पड़ेगा और आपको फील भी नहीं होगा क्योंकि देखो प्रतिज्ञा में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो मान के चलिए कि सात आठ घंटा हम लोग क्लासेस कर रहे हैं और ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका सिलेबस इतना सारा हो और आपको ये कंप्लीट करना है एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तब जाके मैं अपने पूरे महीने के टारगेट को मीट कर रहा राइट सो वी हैव टू डू दिस तो आपके लिए मैं शुरू करती हूँ टाइम टेबल की कहानी को अब आपको इसको फॉलो करना है सुबह होगी साढ़े छः बजे ठीक है साढ़े छः बजे उठने की आदत डाल लो ठीक है ऑल दो तो कुछ बच्चों को रात में जगने की आदत है वो आप देख लो मैं आपको एक जनरलाइज वे दे रही हूँ अगर आप एक रात में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो बट आई थिंक दिस इज द आइडियल थिंग क्योंकि सुबह हमारे दिमाग का जो एफिशेंसी है वो अच्छा होता है सुबह उठ के पढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छी रहती है हमारे साथ सो सिक्स थर्टी हम लोग उठने वाले हैं एंड सिक्स थर्टी हम उठ के तो हम साढ़े सात बजे से पढ़ने बैठेंगे सिक्स थर्टी से सेवन थर्टी आप अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन है थोड़ा फ्रेश हो सकते हो कुछ वॉक वॉक करना है या कुछ भी आपको करना है तो एक घंटे का आपके पास टाइम है उसमें आप लोग तैयार होंगे साढ़े सात से नौ बजे हम सुबह एक राउंड ऑफ स्टडीज लगाने वाले और ये आप पिछले दिन जो पढ़ के आए हो फॉर एक्जाम्पल पिछले दिन आपने तीन चैप्टर पढ़े हैं तो उन तीन चैप्टर का आपको रिविजन करना है आधा 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 घंटा तीन सब्जेक्ट को देना है आपको डेढ़ घंटे का टाइम है आधे आधे घंटे में आपका रिविजन हो जाता है और अगर ये रिविजन आप करके अपने शुरू करते हैं तो आपका दिन कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट होता है आपको ये समझ में आ जाता है।, का है, तो तो है।, है तो सुबह के लिए हम मॉर्निंग रिविजन करेंगे उसके बाद हम तीस, तीस मिनट हर सब्जेक्ट को दे रहे होंगे आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट है या फिर भी नौ बजे आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं जो आपका दिन का थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि सुबह अच्छे से खा लेते हैं तो पूरे दिन की एनर्जी बनी रहती है लेकिन हां हेल्दी खाना खाने की कोशिश करेंगे नौ बजे आप लोग ब्रेकफास्ट करेंगे पहला राउंड शुरू होगा सुबह दस बजे से दस बजे से डेढ़ घंटा पौने दो घंटा पहले सब्जेक्ट में ज्यादा आपकी हिम्मत रहेगी ताकत रहेगी तो आप कोई भी डोमेन उठा सकते हैं जैसे अगर साइंस के हो तो आप फिजिक्स से शुरू कर सकते हो या हो सकता है तो मैथ से शुरू कर सकते हो केमिस्ट्री से जो भी आपको सही लगे आप एक डोमेन से यहाँ पे उठा सकते हैं एक पहला डोमेन आप लोग यहाँ पे लगाएंगे इलेवन तक फिर आप अगला पंद्रह मिनट का ब्रेक लेंगे बारह से डेढ़ बजे सेकंड डोमेन आपका चल रहा होगा और यहाँ पे ब्रेक नहीं लेंगे डेढ़ से तीन बजे या फिर मतलब पांच मिनट का ब्रेक ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप डोमेन नंबर थ्री करेंगे तो आपके तीन डोमेन्स को आप रफली डेढ़ से दो घंटा दे रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली आपके यहां पे जो मैं बोलूं दस से तीन दैट इज दस से ग्यारह ग्यारह से बारह बारह से एक एक से दो दो से तीन पांच चार से पांच घंटे की आपकी पढ़ाई यहां पे होगी और ये आपका मेन सेक्शन है जिसमें आप एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं एक चैप्टर इधर खत्म करेंगे एक इधर करेंगे एक इधर खत्म करेंगे तो तीन चैप्टर खत्म हो रहे हैं जो ये तीन चैप्टर आपने खत्म करे अगले दिन सुबह उसका रिविजन यहाँ पे हो रहा है ठीक है शॉर्ट नोट्स के थ्रू हो रहा है जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं जैसे अगर क्लासेस में बैचेस में है तो आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं उनका रिविजन को यहां करना है। ठीक है उसके बाद तीन से चार बजे आप एक ब्रेक ले लेंगे हल्का सा ब्रेक लीजिए इसमें आप घूम सकते हैं थोड़ा सा नैप ले सकते हैं लंच कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है एक घंटे का आप ब्रेक लेंगे ब्रेक लेने के बाद चार से पांच अपना लैंग्वेज को एक घंटा दीजिए एक घंटे में आप प्रैक्टिस करिए नया कंसेप्ट सीखिए उसके बाद प्रैक्टिस करिए क्योंकि लैंग्वेज इज मोर अबाउट प्रैक्टिस अब अगर आप जनरल टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो पांच से छह आप जनरल टेस्ट को दे सकते हैं अगर आप जनरल टेस्ट को टारगेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपना रिविजन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे बट अगर आप जनरल टेस्ट टारगेट करें तो आप

इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं तो आप छह से सात बजे फिर एक छोटा सा ब्रेक और ले सकते हैं जिसमें अगेन आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे घूम सकते हैं चाय पी सकते हैं मैं मैसे नहीं बोलती ब्रेक में यही करो आपको जो ठीक लगता है आप करो लेकिन बस वो हेल्दी और प्रोडक्टिव होना चाहिए सात से साढ़े बजे फिर आप बैठेंगे आप अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी क्लासेस सुबह ली है उसके नोट्स आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो भी आपके नोट्स वाला काम है लिखने वाला काम है आधा आधा घंटा का टाइम पीरियड लेके आप उसको घड़ी लगा के बैठेंगे आधे घंटे में खत्म करना है क्योंकि आप अगर बिना घड़ी के बैठोगे आप कुछ सोचने लगोगे गाने सुनने लगोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो घड़ी लगा के बैठेंगे स्टॉप वॉक के साथ पढ़ाई करनी शुरू करेंगे आधा घंटा हो गया मुझे खत्म करना है उसके बाद साढ़े आठ से ग्यारह आप प्रैक्टिस के लिए रखेंगे आपको हर टीचर क्वेश्चंस देते हैं तो जो भी क्वेश्चन है आप फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे दे बायो में कम लगता है तो बायो को कम दे दीजिए लेकिन साढ़े से ग्यारह का टाइम पीरियड होगा जिसमें आपको अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अगले दिन फिर सुबह उसका रिवीजन करना है तो समझ लो आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है रिवीज़न भी हो रहा है नोट्स भी बन रहा है और आप नया चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और फिर आप ग्यारह बजे सो जाएंगे तो ग्यारह बजे सोएंगे साढ़े छः बजे उठेंगे रफली आपको छः सात घंटा की नींद मिल रही है काफ़ी है सात घंटा इस वक्त के लिए बाकी टाइम केवल पढ़ाई करना है तीन से चार घंटे का बीच में ब्रेक भी मिल रहा है आपको फील भी नहीं हो रहा है बट आपकी पढ़ाई उतनी हो रही है तो अगर मैं रफली बात करूं तो हमारा अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे की पढ़ाई हो रही है अगर मैं बात करूं तो यहां से आपका सुबह पहले डेढ़ घंटे का रिविजन हो रहा है चार घंटे की चार से पांच घंटे की पढ़ाई आपकी यहां पर हो रही है दो घंटा आपका लैंग्वेज जी को यहां पर निकल रहा है उसके बाद आपका जो रिविजन है उसमें आप लोगों को अप्रोक्सिमेटली तीन घंटा यहां पर भी मिल रहा है तो मतलब मान के चलो दस से बारह घंटे का स्टडी रूटीन है लेकिन आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा आपका नया चैप्टर भी होगा आपका रिवीजन भी होगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा तो आपको कोशिश करना है कि आप इसको फॉलो करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे एक स्टडी अपना लिख के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए घड़ी के साथ पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए क्योंकि तरीके दो ही है या तो आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपके पास खुद से वो रिसोर्सेज होना चाहिए कि आप लोग ये टाइम पीरियड में खत्म कर रहे हो यूट्यूब पे मंजिल सीरीज है उससे कर सकते हो वन शॉर्ट आ रहे हैं उससे कर सकते हो और अब प्रवेश शुरू होने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करने वाले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो इज अगर आप लोग को उससे भी सिंपल तरीका चाहिए तो ऑब्वियसली प्रतिज्ञा है क्योंकि प्रतिज्ञा में हम सेम रूटीन को ये फॉलो कर रहे हैं डोमेन्स यहाँ पे चल रहे हैं सुबह आप लोग रिवीजन करेंगे डोमेन्स पढ़ेंगे जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसको आप यहां पे कंप्लीट करेंगे तो काफी सिंपल हो जाता है इस रूटीन को फॉलो करना अगर आप बैचेस में है अदरवाइज आप खुद से भी कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि आपको ये करना ही करना है सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर सी यू डी क्रैक करना है तो अगले एक महीने का ये टाइम पीरियड या ये प्लान आपका होना चाहिए क्योंकि चालीस दिन ही हमारे हाथ में है और चालीस दिन में यार हम लोग को ये करना ही करना है हमारे टारगेट मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखे हैं डोमेन्स में वन एटी प्लस का टारगेट रखना है दोस्तों में से लैंग्वेज में वन प्लस का रखना है और जी में टू प्लस का रखना है ये अचीवेबल है अगर आप अगले चालीस दिन जैसे मैंने आपको प्लान दिया उसको फॉलो करेंगे और गिव अप नहीं करेंगे तो गिव अप करना तो अपने सीखा ही नहीं है लेकिन इसको आपको फॉलो भी बच्चों करना पड़ेगा ठीक है सो द ट वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू अब है। तो केमिस्ट्री की मेरी क्लास पाँच बजे रहेगी तो अब मैं रोज आपको लाइव पाँच बजे मिलूंगी और मैं शुरुआत करूंगी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ तो मंडे को आपको पाँच बजे मुझे मिलना है फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करके आइएगा एंड वी विल बी डूइंग सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड सेकेंडली आपका एक टेस्ट प्रतिज्ञा वाले बच्चों का मैंने टेस्ट रखा है क्योंकि प्रतिज्ञा में एक हफ्ता हुआ है दो चैप्टर या तीन चैप्टर मैं करवा चुकी हूं तो जितने भी बच्चे हैं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी मैंने ये कोशिश करी है कि आप लोग आओ और देखो कि आप कितना तैयार हो चुके हो तो, तो देर इज अ वन फ्री टेस्ट जो कि आपको ऐप आप में फ्री सेक्शन में मिल जाएगा जो आपको प्रतिज्ञा पार्ट टेस्ट वन बाय आयुषी मैम के नाम से होगा तो आप सभी लोग उसको अटेम्प्ट करिएगा देखिएगा कि आप कितनी रैंक लेकर आ रहे हो वहां पर क्या आपका स्कोर चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को चेंज करना पड़ेगा अगर आपने कहीं गलती

पे आपकी सेल को इंक्रीज कर दिया गया मंथ एंड सेल थी तो सरप्राइज ये है डबल डिस्काउंट बच्चों प्रतिज्ञा पे कर दिया गया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पता भी चल गया होगा तो जो आपका सी यू टी दो के लिए मल्टीपल uh, सब्जेक्ट और टेन आर प्लस का स्टडी रूटीन है इसको फॉलो करने के साथ साथ प्रतिज्ञा पे डबल डिस्काउंट बच्चों एक्टिव कर दिया गया है तो अगर कोई बच्चा प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं है फिलहाल के लिए तो आई थिंक एक रीज़न मैं आपको देती हूँ आप उसका हिस्सा डेफिनेटली बन सकते हैं इस कोर्ड पे डबल डिस्काउंट अवेलेबल है तो अगर कोई बच्चा इनरॉल नहीं करा है तो आज कर सकते हैं अपने बैकलॉग्स ख़त्म कर लेना दो तीन चैप्टर ही होंगे मैक्सिमम और आगे के चालीस दिन आपके बेटर प्लान हो सकते हैं सो आई वुड से इफ नॉट देन यू कैन डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट और ये सभी बैच स्ट्रीम स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है आपको ये सब कुछ बातें पता ही हैं कि क्लासेस हैं टेस्ट सीरीज है और रिजल्ट्स रहेंगे डेफिनेटली तो ये आप लोग इसको सेव कर लीजिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ डबल डिस्काउंट को आपको कैसे चेकआउट करना है बाकी ये स्टडी प्लान फॉलो करना नहीं भूलना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा स्टडी प्लान और क्या आप इसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं क्योंकि देखो चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो चाहे आप बैचेज में पढ़ रहे हो दोनों ही बच्चों को फॉलो करना है हाँ लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है जब आप टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहते हो सो so, बस इतना ही फर्क है अदरवाइज प्रवेश में आके चेक जरूर करना अपने आप को कि किस तरीके से सवाल आपके सीयूटी में आ रहे होंगे ठीक है सो लेट मी जस्ट से कि यार ये डबल डिस्काउंट का क्या है ऑप्शन तो सी में यूजीपी जी सेक्शन में आपका क्योंकि आज मंथ एंड भी आखिरी दिन आपका थर्टी फर्स्ट तक ये आपका वैलिड रहेगा बच्चों तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए अभी ये थर्टी फोर हंड्रेड का बैच है ठीक है और कोड के साथ भी मैं आपको बता देती हूँ दैट इज़ वाई फाइव वन थ्री वाई फाइव वन थ्री के साथ ये भी थर्टी थ्री हंड्रेड का दिख रहा है लेकिन जब अब आप इस बैच को जाके चेकआउट करोगे इस कोड के साथ तो ये आपको मिल रहा होगा बच्चों एक बार मैं फाइनल आपको प्राइस बोल देती हूँ क्योंकि वो डिस्काउंट्स केवल आज के लिए ही हमने वैलिड करेंगे सो देट इज़ अ डबल डिस्काउंट ऑन द ऑप्शन एंड आई थिंक प्रतिज्ञा प्लस प्रतिज्ञा प्लस बच्चों तीनों स्ट्रीम का जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली थर्टी वन हंड्रेड के आसपास का है और आप पे हो सकता है तीन हज़ार के आसपास का हो जाए और प्रतिज्ञा जो बिना बुक्स के साथ है वो अप्रोक्सीमेटली आपका ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड या ट्वेंटी फाइव हंड्रेड के आसपास का है तो इसमें पी लैंग्वेज और जी इसमें भी पी लैंग्वेज और जी है और साथ में इसमें पी किट भी है तो पी वाईपी किट वाला आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा वो आप देख लीजिएगा ऐसी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का भी रहेगा तो डबल डिस्काउंट का आप फायदा उठा सकते हैं अगर आपने बच्चों नहीं करा है बाकी प्रवेश में मिलते हैं पांच बजे कल फिजिकल केमिस्ट्री के साथ और प्रतिज्ञा में तो कंटिन्यूड रहेगी चीजें ऑल द बेस्ट बच्चों प्लीज फॉलो द प्लान एंड गुड लक फॉर सीयूडी दो हजार जो जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको यहां पे मिल रहा होगा गुड लक